हेलो दोस्तों, यार अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं हार्दिक पांड्या को भारत का बेस्ट पावर हिटर और बेस्ट पेस बॉलिंग ऑलराउंडर तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ साथ वीडियो कर दें लाइक। एंड यार ये भी कमेंट करके बता दो कि आपके हिसाब से इस आईपीएल सीजन में कौन कर रहा है बढ़िया कप्तानी, हार्दिक पांड्या या केन विलियमसन। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज खेले गए आईपीएल मुकाबले के हाइलाइट्स को। आईपीएल का 21वां मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में खेला गया और इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया और हैदराबाद की टीम ने पावर प्ले के अंदर ही गुजरात के दो प्लेयर्स को आउट कर दिया, जिनमें से एक थे मेरी तरह इनकंसिस्टेंट बैट्समैन शुभमन गिल, जिन्होंने 9 गेंदों में 7 रन बनाए और वो भुवनेश्वर कुमार का शिकार हुए। नंबर 3 पर आए साई सुदर्शन नट्टू भैया का शिकार हुए, जिन्होंने 9 गेंदों में 11 रन बनाए। इस तरह हैदराबाद की टीम ने पावर प्ले खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए थे और पावर प्ले खत्म होने के बाद आए उमरान मलिक, जिन्होंने आते ही पहली गेंद हार्दिक पांड्या के मुंह पर मार दी और इसी ओवर में उन्होंने मैथ्यू वेड को भी आउट कर दिया। नंबर 5 पर आए डेविड मिलर कुछ खास नहीं कर पाए और लंबू यानी कि मार्को जॉनसन का शिकार हुए। डेविड मिलर ने 15 गेंदों में 12 रन बनाए। इसके बाद आए अभिनव मनोहर, जिन्होंने आउट होने की बहुत कोशिश की लेकिन हैदराबाद के किसी भी फील्डर ने उनका कैच नहीं पकड़ा। अभिषेक मनोहर ने 4-5 बार कैचिंग प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की लेकिन हैदराबाद के किसी भी फील्डर ने उनका कैच नहीं पकड़ा। अंत में 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अभिनव मनोहर को आउट किया। अभिनव मनोहर ने 21 गेंदों में 35 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद पिछले मैच के हीरो राहुल तवटिया आए जो कि रन आउट हो गए। राहुल तवटिया ने 4 गेंदों में 6 रन बनाए जिसमें 1 चौका शामिल था। दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या ने एक सिंगल लेकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। हार्दिक पांड्या ने हाफ सेंचुरी बनाने के लिए 42 गेंदें ली जो कि उनकी आईपीएल की सबसे स्लोएस्ट 50 है। हार्दिक पांड्या ने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। पारी की अंतिम गेंद खेलने आए राशिद खान को टी नटराजन ने एक बढ़िया यॉर्कर डालकर बोल्ड कर दिया और इस तरह गुजरात की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए और हैदराबाद की टीम को 163 रनों का टारगेट दिया।